बलिदान दिया देश के लिए, क्योंकि जो देश अपने वीरों को अपने शहीदों को स्मरण नहीं करता है वो इतिहास में अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। कारगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह के मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी वीर शहीदों को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया और कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 21 वर्ष बीत गए और मैं अभी अनुभव कर रहा था कि ऐसी घटना जो हमेशा हर आदमी के दिल और मस्तिष्क पर आज भी ताजा तरीन है, लगता नहीं है कि 21 वर्ष बीत गए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब यह घटना घटित हुई थी, अपने जीवन में हमने पहली बार होश आने के बाद सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर हर व्यक्ति के दिल में देश के लिए जो एक भाव उस वक्त देखा था, वो स्वाभाविक रूप से वो भाव जो है देशभक्ति का हमेशा जीवित रहे, लंबे समय तक रहे, ये आज की आवश्यकता है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश शहीदों को नमन कर रहा है। वीर चक्र से सम्मानित ऊना के शहीद कैप्टन अमोल कालिया के परिवार को अपने बेटे की शहादत पर आज भी गर्व है। हालांकि परिवार अपने बेटे का नाम हिमाचल पंजाब सीमा पर बनाए गए प्रवेश द्वार की खस्ता हाल और रख रखाव को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। मेरे बेटे ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी शहादत दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया देश के लिए, उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरा दूसरा बेटा भी मैंने फौज में ही भर्ती कराया हुआ है और विशेषकर अमोल को प्लस एनडीए में जाने के वक्त इसके पास ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग का भी था, मेडिकल का भी था, परंतु मैंने ये चाहते हुए कि ये फौज में जाए तो उसको एनडीए के लिए प्रेरित किया और उसने पूछा भी मेरे से इतना बात है, आप क्यों फौज में मुझे भेजना चाहते हैं जबकि ऑप्शंस और हैं। आखिरी बार तो मिलने आया था यहाँ पे मई में, तो ये बहाना जा रहा था वहाँ पे कारगिल में, लेकिन हमें बताया नहीं। उन दिन में उसकी पोस्टिंग दिल्ली थी, तो दिल्ली से यहाँ पे मिलने आ गया, ये नहीं बताया कि मैं कारगिल जा रहा हूँ। कुछ ज़रूरी सामान था जो कारगिल वॉर के संबंधी से डॉक्यूमेंट थे या फोटोग्राफ थे, वो उसने ये यहाँ से और चला गया। कोई बात नहीं, हमसे बताइए कि आई एम ऑन माय वे टू कारगिल। उसके बाद तो बस अखबार में ही खबर पड़ी है कैप्टन अमोल कालिया नो मोर। शादी के बारे में बात चली तो उसका लास्ट लेटर जो है उसमें उसने यही लिखा हुआ कि पापा इफ़ यू आर इन हरी तो आप सेटल कर लीजिए, मैं जून के एंड में आऊँगा। परंतु वो जून का एंड आया ही, वो उससे पहले ही चला गया। एक दफ़ा थोड़ा सा दुख भी होता है कि मैथपुर, हिमाचल सरकार ने मैथपुर का जो एंट्री गेट है वो शहीद कैप्टन अमोल कालिया के नाम पर दिया हुआ है, लेकिन उसकी रख रखाव आज तक 21 साल में मैंने नहीं कभी देखा कि उस पर कोई पेंट लगा हो, उसकी सफाई हुई हो, बस पेपर नाम की पट्टिका जरूर लगी है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा के पिता भी बेटे की शहादत पर नाज करते हैं। विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि देश के वीर जवानों ने अपने प्राण निछावर कर जंग को फतह किया। विक्रम बत्रा के पिता सीमाओं पर विवाद को हल किए जाने पर जोर देते हैं। तो अभी 26 जुलाई को हमारा कारगिल विजय दिवस आ रहा है और हम प्रतिवर्ष इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि हम अपनी विजय का उत्साह हमारे दिलों में होता है और हम अपने शहीदों को याद करते हैं। और हमें इस बात का गौरव भी है कि विक्रम बत्रा जी को भी सारा देश आज के दिन याद करता है और भी जितने शहीद हुए हैं सबका स्मरण हम करते हैं।
और ये एक हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाता है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो देश अपने वीरों को, अपने शहीदों को स्मरण नहीं करता है, वो इतिहास में अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। हम देखते हैं अब इस समय वर्तमान में भी यही पोजीशन चल रही है कि चाइना जो है वो गलवान वैली में उसने हमारा पोर्शन, हमारी ज़मीन को हड़पने की चेष्टा की, तो उसको पीछे धकेला गया। और अब जो है वो हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें, पेनांग एरिया जो है उसमें भी वो घुसने की कोशिश की हुई, और हमारी वो LAC पर काफ़ी आगे वो बढ़ा हुआ है, और पीछे हटने का वो जो है, और जब भी पीछे हटने की बात होती है तो उसकी ये आदत है कि वो अगर 4 कदम आगे बढ़ा है तो वो बातचीत के द्वारा 2 कदम पीछे हटने की बात करता है, वो धोखा देता है। तो इस चीज़ को, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो वो अब भी हमारे कश्मीर को उसकी चेष्टा है कि किसी तरीके से अलग करने की वो कोशिश करता है, और अपने मिलिटेंट्स वहाँ भेजता रहता है। तो अब हम इस चीज़ को अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना हमें करना चाहिए। तो इसका हल फिलहाल तो यही नज़र आता है कि सरकार जो है हमारी वो डिप्लोमेटिक स्तर पर और मिलिट्री वार्ता के स्तर पर और कमांडर्स के स्तर पर उनसे बात करे, और उनको उनसे दो टूक बात करे। कारगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह पर शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, सैनिकों की वीरता को याद किया गया। कारगिल युद्ध को फतह करने में हिमाचल के कई वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। न्यूज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी कारगिल के शहीदों को नमन करता है। न्यूज PHH रिपोर्ट।